दोहरी नीति तब होती है, दोहरी नीति, अरे भाई सुनिए ना, जानकारी रखिए। तीन तलाक बिल के सवाल पर भड़के जेडीयू सांसद। कटिहार में जेडीयू से सांसद दुलाचंद गोस्वामी कटिहार लोकसभा सीट से जीत के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने कटिहार में चौमुखी विकास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने झारखंड में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होने के सवाल पर कहा कि जेडीयू बीजेपी का बिहार में गठबंधन है, लेकिन अगर दूसरे जगह हमारी बात नहीं हुई है तो हम वहां से अकेले ही चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं जब उनसे तीन तलाक पर जेडीयू के वॉकआउट होने पर सवाल किया तो सांसद महोदय भड़क गए और कहा कि हम जो भी करते हैं सेना ठोक कर करते हैं। कश्मीर मुद्दे के सवाल पर उन्होंने कहा कि जितना भी विवादित एजेंडा है ऐसे मामलों को आपसी समझौते या न्यायालय से निपटना चाहिए। दोहरी नीति तब होती है, दोहरी नीति, अरे भाई सुनिए ना, जानकारी रखिए। सब जगह लोकसभा में भी हम लोग उसमें ये किए, बहिष्कार किए, राज्यसभा में भी किए दोहरी, अरे भाई दोहरी नीति का बात मत बोलिए, ये हमारा शुरू से एजेंडा, दोहरी नीति का कौन बात है, हम साथ है। हमारे नेता ने वहाँ स्टेटमेंट देखिए, ललन सिंह जी का वहाँ स्टेटमेंट देखिए, जो है वशिष्ठ नारायण सिंह जी का, दोहरी नीति का बात नहीं है। जो है एजेंडा हमारा अटल जी के समय का था वो एजेंडा आज भी है, और हम अपना एजेंडा में दोहरी नीति का क्या बात है, दोहरी नीति का कोई बात नहीं है। और दोहरी नीति जेडीयू के पास कभी नहीं, जो है हमारा नेता सीना ठोक के करते हैं, चाहे वो लोकसभा, ये हमारा शुरू से एजेंडा आ रहा है, जब अटल जी थे उस समय से आ रहा है, विरोध का क्या बात है। हम लोग विवादित एजेंडा जितना भी है, जिसको विवादित एजेंडा अटल जी के समय माना गया था, उस समय जेडीयू के नेता जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, चाहे वो धारा 370 हो, वो तीन तलाक बिल हो, या फिर अयोध्या राम जन्मभूमि का मामला हो, इन सारे मामलों में जेडीयू का स्टैंड है उस समय भी रहा है और आज भी है कि या तो ये सामाजिक समझौता आपसी विचार विमर्श के आधार से ख़त्म हो, या फिर न्यायालय के माध्यम से हो, और बाकी दूसरा अगर बात होगी तो हम उस देखिए बिहार में हम लोग का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन देश में गठबंधन है। हम लोग केंद्र सरकार को 2019 चुनाव में हम लोग NDA के साथ मिल करके लड़े, और हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी ने भी कहा है कि हम साथ हैं और मजबूती के साथ आगे साथ रहेंगे। आदरणीय सुशील मोदी जी, RCP बाबू, हमारे सारे NDA के वरिष्ठ नेता बिहार में अपना स्टेटमेंट मीडिया के माध्यम से पार्टी के वर्करों के बीच अपने नेता कह रहे हैं कि NDA बिहार में मजबूत है, हम एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, चाहे 19 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, बिहार में साथ लड़ेंगे। लेकिन बिहार के बाहर, चाहे वो झारखंड हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हम राजनीतिक दल हैं। गठबंधन हमारा बिहार में है, झारखंड में जो है बीजेपी के साथ गठबंधन होगा तो हम लोग वहाँ साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन नहीं होगा हम चुनाव लड़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टी हैं हम, सब स्टेट में चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी कोई पार्टी जो है अपने नीति सिद्धांत के अनुसार है, तो केवल विधानसभा का समझौता गठबंधन हमारा बिहार में, बिहार के बाहर नहीं है। बिहार के बाहर जहाँ गठबंधन होगा हम लोग साथ लड़ेंगे, जहाँ नहीं होगा और हम लोग को लगेगा